हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 के संबंध में महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। साथ में लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 के संबंध में क्या खबरें हैं ये भी खबरें लेकर के आ चुका हूँ, और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021-22 सत्र के संबंध में क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं इसके संबंध में खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर ले ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खबर जो विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 के सामने हो आप तक राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से पहुंचाई जा सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय का नुकसान के हुए सीधे बढ़ते खबरों की तरफ और देखते पूरी खबरें यहाँ से क्या है विश्वविद्यालय परीक्षा 2021 के संबंध में खबरें। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, हाई लेवल एजुकेशन के विद्यार्थी इस साल भी किए जाएंगे प्रमोट। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते इस साल भी उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। शासन ने परीक्षा नहीं हो पाने की स्थिति में प्रमोट करने की योजना बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी कुलपतियों की कमेटी बनाई है। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव स्पेशल सेक्रेटरी अब्दुल समद ने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक व महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह को शामिल कर यह कमेटी बनाई है। कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। कमेटी की शुक्रवार को ही पहली बैठक में गत शैक्षिक सत्र की तरह वर्तमान शैक्षिक सत्र में भी विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर विचार किया गया, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी अड़चन सामने आई। सेमेस्टर आधारित पाठ्यक्रम में कुछ विश्वविद्यालय में गत सत्र में पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी थी, जबकि इस वर्ष प्रवेश विलम्ब होने से सेमेस्टर की परीक्षाएँ नहीं कराई जा सकी हैं। सेमेस्टर प्रणाली में पूर्व के 1 या 2 सेमेस्टर के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। उधर गत सत्र में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को इस आधार पर प्रमोट किया गया था कि द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंक के औसत अंक प्रथम वर्ष के अंक माने जाएंगे। ऐसे में यदि द्वितीय वर्ष में भी प्रमोट किया गया तो अंक का निर्धारण कैसे होगा, कमेटी को इस पर विचार कर अपनी रिपोर्ट अब जो है शासन को सौंपनी है। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर है अब आपके विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समूचे उत्तर प्रदेश में 24 तारीख तक यानी 24 मई तक जो है कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन की बढ़ाई गई है। और तो इस मान के चलिए परीक्षाएं तो अभी मैं नहीं कह सकता कि जो है जून में भी कुछ संभव है, क्योंकि अभी भी स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि परीक्षाएँ और ख़ासतौर पर विश्वविद्यालय परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश में कराई जा सके। लेकिन जो अभी चीज़ें चल रही हैं प्रमोट करने के लेकर के, इसके संबंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग अब्दुल समद ने 3 सदस्यीय कुलपतियों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें आपने देखा रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति और साथ में जो है कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के जो है एक कमेटी बनाई गई है। तो ये खबर थी आपके एग्ज़ाम को लेकर के। आपके क्या जो है कहा जा सकता है कि सिस्टम क्या होगा, कि आपको कैसे प्रमोट किया जाएगा, इन सब चीज़ों के संबंध में बहुत ही जल्द जो है उच्च शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपी गई इन 3 सदस्यों के कुलपतियों के सदस्यों की कमेटी है ना। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा के संबंध में। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फैसला, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा से ही होंगे दाखिले। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए शैक्षिक सत्र यानी 2021-22 के दाखिले प्रवेश परीक्षा के जरिए ही किए जाएंगे। यह फैसला कुलपति आलोक राय की अध्यक्षता में एडमिशन सेल के सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में लिया गया है। पिछले साल तक बेल्ट से दाखिले होते थे और कुलपति ने निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय से जुड़े 4 नए जिले लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली और हरदोई में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएं, जिससे उन जिलों में उनके आसपास के विद्यार्थियों को लखनऊ न आना पड़े। साथ ही कुलपति ने यह भी बताया कि कोरोना कर्फ्यू कारण सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लगभग 31,000 आवेदन भी आ चुके हैं और विश्वविद्यालय से जुड़े नए जिलों के महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, प्रवेश परीक्षा प्रणाली इत्यादि से अवगत कराया जाएगा। लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली और हरदोई के महाविद्यालयों में यदि कोई ऐसा पाठ्यक्रम चल रहा है जो लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं है तो ऐसे विषयों की भी प्रवेश परीक्षा शामिल किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में नियामक संस्थाओं जैसे BCI, NCT इत्यादि के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित होने पर ही प्रवेश मान्य होगा। फैस्टास्टिक का समापन, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, ये तो चलिए कोई बात नहीं, और रही बात तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप अपने ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप इस ज़िले से यानी लखनऊ लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली और हरदोई से भी शामिल हैं
या फिर उसके आसपास के ज़िलों से हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं तय करना पड़ेगा आपके ऊपर उस परीक्षा को लेकर के। पहले ऐसा होता था कि केवल परीक्षा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय यानी लखनऊ जो है राजधानी लखनऊ में ही प्रवेश परीक्षाएँ कराई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फैसला लिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से प्रवेश परीक्षाएँ जो है जहाँ उसके संबंधित विश्व महाविद्यालय हैं वहाँ पर परीक्षा कराई जाएंगी, है ना। पॉलिटेक्निक परीक्षा के संबंध में क्या खबरें हैं यहाँ से देखते हैं। आप लोग फ्रंट देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निक में आवेदन की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी गई है और ये तीन बार जो है पहले भी बढ़ चुकी है आवेदन की तारीख, चौथी बार बढ़ाई गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में ये पॉलिटेक्निक संस्थान में सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 244,024 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और यह जानकारी संबंध अधिकारी संयुक्त प्रवेश परिषद राम रतन ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रवेश परीक्षा 15-20 जून तक प्रस्तावित थी और जल्द ही परीक्षा की नई तिथि की घोषित की जाएगी और उन्होंने ये भी बताया कि प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ही कराई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट आप देखते हैं gcop.nic.in पर 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी जेई पॉलिटेक्निक के संबंध में अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य की अनुदानित व निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश ले सकेंगे। सॉरी, प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा में 10वीं 5 से लेकर स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा अलग अलग जिलों में बने केंद्रों पर ऑनलाइन होगी। हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी भाषा में अभ्यर्थी परीक्षा दे भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चौथी बार ये परीक्षा आयोजित कर सकते हैं कि पहले इसकी डेट जो थी 15 अप्रैल घोषित की गई थी लास्ट डेट, फिर इसे बढ़ा करके 30 अप्रैल की गई, पुनः एक बार 15 की गई और अब एक बार फिर बढ़ा करके पूरे एक माह 15 जून कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा जो 15-20 जून के बीच में प्रस्तावित थी उसको अब कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया जाएगा और नई डेट का ऐलान बहुत ही जल्द जो है राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। आई होप ये 3 महत्वपूर्ण खबरें थी जो आज के संबंध थी। आई होप ये चीज़ें आपको सभी लोगों को अच्छे भी लग रहे होंगे, खबर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और भी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।